Market Monster. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106, or 2342-1050. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार. मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं. आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित. हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल. बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं. हमसे ये सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444-2371-7106 या फिर 2342-1050. हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है. वार्म वेलकम शरद. नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन. आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख. द स्टॉक मार्केट्स डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस डिक्लाइन इन द फर्स्ट वीक ऑफ 2023. बोथ सेंसेक्स एंड निफ्टी फॉल ओवर 1%. बट यूएस मार्केट रैलीज मोर देन 2% ऑन इनकरेजिंग इकोनॉमिक डेटा. And global crude oil prices register biggest weekly dip at the start of the year since 2016 on recession fears. वर्ष 2023 के पहले कारोबारी सप्ताह में गिरावट के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1% से अधिक घाटे में रहे. उधर अमेरिका में उत्साहजनक आर्थिक आंकड़ों से निवेशकों ने की लिवाली. प्रमुख सूचकांक 2% से अधिक ऊपर आए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आर्थिक मंदी की आशंका से कच्चे तेल की कीमतों में हुई गिरावट. 2016 के बाद यह है सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट. और अब समाचार विस्तार से. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 1% से अधिक गिरावट के साथ बंद हुए. अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर बढ़ाए जाने की संकेत दी गई, जिसका असर निवेशकों पर दिखा और मुनाफा वसूली की गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में 940 अंक यानी 1.5% नुकसान के साथ 59,900 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी साप्ताहिक आधार पर 1.4% यानी 246 अंक कम होकर 17,859 दर्ज हुआ. विस्तारित बाजार पर ध्यान दें तो वहां छोटी और मझौली कंपनियों को अपेक्षाकृत सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में कम नुकसान उठाना पड़ा. बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% नीचे आया, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.5% की गिरावट हुई. रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया साप्ताहिक आधार पर अपने पूर्व स्तर ₹82.72 के आसपास बना रहा. We have a first caller online with us from Mumbai. Hasmukh, we welcome you. Please ask your question. Can we say the worst is over for our economy or global economy, or still there is something in the pipeline? Thanks. Well, Mr. Hasmukh, I wish what you were saying was true, but 2023. As far as the global economy is concerned, my analysis says that the worst may be yet to come, because all the interest rate hikes which have happened around the world, they will start showing their effect, and there might be, we saw yesterday's, jobs data in America.
which is quite buoyant, and sometimes good news becomes bad news. So I think the market is now fearing that the Fed may hike the interest rates again in February more than their expectation, because the inflation fears still remain. So I think the world is, if you've heard IMF and World Bank, they are saying that 2023 may be a year of recession. So our focus from inflation has now moved to the recession. So if recession is there, Hasmukh ji, then, you know, you cannot expect the worst to be over. As far as India is concerned, India has been a very resilient economy. India has shown it has performed better. So therefore, even if the recession sets in the world, India will continue to perform, maybe not 100%, because the cascading and the rippling effect of the world recession will definitely show up, but India is a world in itself. At the same time, India is also part of the global village. So we will have to see some kind of effects on our exports, on the FDI, and some of the other stuff. But to sum up what you asked, maybe the worst is not yet over. I don't mean to sound gloomy, but then maybe it's not over. Although I would hope, wish, and pray that what you're saying should come out to be true. Hasmukh ji. आइए चलें वडोदरा, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कवि। कवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी, गुड इवनिंग। माय विशेस टू मिस्टर कोहली साहब, यू नो, फॉर ऑफरिंग हिज ग्रेट नॉलेज इन द इकोनॉमिक्स फील्ड। सर, माय क्वेश्चन इज अबाउट इनकम टैक्स। सर, पीपल हैव अ जनरल फिनोमिना दैट इफ दोज आर कमिंग इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 20% और यू कैन से इवन लेस देन द 20% टैक्स ब्रैकेट, that whatever people claim as in terms of income tax return, so that is not being seen much by the CPC. They don't evaluate the application that much by thinking that people are having less income, though they claim for HRA, though the court barriers, housing loans, these things, people have been given refunds. So is it a general sense that they don't look into these things much and they offer a refund, or they may also cause some kind of issues in future that, you know, that their applications can be scrutinized and they will be caught under this Income Tax Act? That is the first question, sir. And second question is about, sir, Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. This is the limit of 5 lakh rupees is for all the accounts separately for 5 lakh rupees, or it's a cumulative amount of 5 lakhs for all the accounts whatever we have in various banks? Okay, let me, Kaviji, thank you so much for your compliments, first of all. Let me answer your second question first. Okay, well, the 5 lakh DIC GC limit is combined for all the bank accounts, first of all, for an individual. So, that is why we advise spreading your deposits in case there's a problem with any particular bank. You know, you're always able to spread your risk. So it's a combined limit of 5 lakh rupees. Having said that, I would like to reiterate that in my recent memory, no bank which is under Banking Regulation Act has failed. In my memory, cooperative banks have suffered, but then no banks under Banking Regulation Act, whether it is private or public sector, so you can relax. But principally, yes, it's for combined 5 lakhs for all. Coming back to your first question, there is no hard and fast rule, Kaviji, that, you know, only large fishes are trapped. If somebody is trying to mislead the income tax by submitting false house rent receipts or trying to claim a deduction under Section 80C, for example, for an amount which is not listed, because I think income tax is placing a lot of trust in the digital system. There's a lot of trust being placed on the taxpayers, but the taxpayers, as a matter of reciprocation, they should not try and mislead the department by giving wrong declarations. So therefore, anybody can come under scrutiny. My first point is that anyone can come under scrutiny. Nobody should assume that because I'm a very small fish, I'm in the 20% bracket, I'm in the 5% bracket, so who's going to look at me? You know, there are a lot of big fishes to trap. Well, that is true that the large cases are put to a closer scrutiny. But at the same time, you should remember that some of the scrutiny selection process is random. So when it's random, you know, there are programs set under which certain cases are selected. So they can ask you. So my advice to taxpayers is they must preserve proofs of all the deductions that they have claimed, all the exemptions they have claimed. The document should be saved for at least 4 to 8 years minimum. You should try and save the document. If there is a case of tax evasion, willful tax evasion on part of anyone, I think he should have some sleepless at night, because any information which is trapped from a third party source can land the person in trouble. And in the modern times, to conclude what I'm saying, in the modern times, there's something called AIS, Annual Information Statement, and 26AS.
these are two statements which is trapping and collating data from a lot of places. So, I would not completely endorse what you are saying. So, therefore, irrespective of the size of the taxpayer, I advise them to be honest, preserve their documents. You should be prepared for any kind of question being slapped on you. Yeah. विशेषज्ञ की सलाह कि सतर्क रहिए और ईमानदार रहिए, गलती मत कीजिए, चूक मत कीजिए, नहीं तो अंततः पकड़े जा सकते हैं आप, स्पष्ट हमारे विशेषज्ञ शरद जी कह रहे हैं। आइए चले लखनऊ, लखनऊ से हमारे साथ हैं राजा। राजा साहब स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, जैसे हम ये जानना चाहते हैं, जैसे बैंक के अंदर हम गए हैं, अगर पैसा निकासी में या जमा करने में या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट में लेने या देने में कोई हमको वहां पर समस्या आती है, तो इसके लिए क्या जैसे हर विभाग का कोई टोल फ्री नंबर होता है, तो क्या इसका के लिए कोई टोल फ्री नंबर है हम लोगों की सहायता के लिए? राजा जी बहुत अच्छा सवाल है। लाखों लोग देश के ये सवाल उनके दिमाग में घूमता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंकिंग में मनोज और राजेश कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कभी ना कभी जरूर शिकायत आती है। परफेक्शन तो किसी भी सर्विस में होता नहीं, पर कई बार विशेष दिक्कत आती है जिसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड। तो मेरी राजा जी सलाह ये, पहले तो आप उस बैंक के जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, या आपका सीआरएम जिसको हम बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, आप उससे कोशिश करें कि उसका निस्तारण हो जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपको मैं एक राम बाण बता देता हूं, जो कि रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया, जिसको हम रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बोलते हैं, RBIOS। तो वो आप आरबीआई की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर लिंक है उसका RBIOS का, तो आप लिंक पर जाएं। अगर आपकी कोई बहुत विशेष समस्या है, और आपको मैं ये भी बता दूं जो इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है उसमें बहुत समय की सीमा में उसका निस्तारण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेन डाल दी उसके बाद जैसे सुनने में आता था कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं आया, महीनों बीत गए, ऐसा नहीं है। एक समयबद्ध तरीके से उसका निस्तारण किया जाता है और उसको बिल्कुल बैंक को लिखा जाता है, और रिजर्व बैंक ने इसीलिए लोग अलग अलग बैंकों में परेशान ना होते ना, इसीलिए एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से रिजर्व बैंक की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप उसको क्लिक करें, अपनी समस्या लिखें, बैंक का नाम लिखें और बैंक की ब्रांच का जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाती है वहां पर उसको लिखिए, और मैं विश्वस्त होकर कह सकता हूं कि आपकी समस्या का तुरंत निस्तारण किया जाएगा। पर पहले आप रामबाण चलाने से पहले आप बैंक के थोड़े से हायर लेवल पे हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान, अगर आप स्पेसिफिक बताएंगे तो मैं आपको शायद बता दूं कि किसके पास आप जाएं, पर अगर आप नहीं भी बताना चाहते तो आप ये दोनों जो मैंने मेथड्स बताए इसको आप अवश्य ट्राई करें। जी फ्रॉम कोलकाता वी आर जॉइंड इन बाय पीके बैनर्जी, we welcome you, please go ahead and ask your question. Namaskar sir. Yes please, carry on. Sir, main ye puchna chahunga ki ye sir hamare jaise bank mein ek bank mein hi payment sari jama hai aur beech mein fraud hua, usme fraud hone ke baad hame 5 lakh rupaye insurance government deti hai, agar hum 20 lakh rupaye ek hi bank mein rakhte hain, hum char bankon mein 5 lakh rupaye rakhte to hum safe rahenge kisi had tak? बैनर्जी साहब, आपसे अभी पहले कुछ देर पहले एक श्रोता थे, उनका भी लगभग यही सवाल था, तो उनको मैं यही बता रहा था डीआईसी जीसी जो इंश्योरेंस होता है बैंक के डिपॉजिट्स पर, वो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आप 4 अकाउंट्स में रखें तो आपका 20 लाख रुपए इंश्योरेंस हो गया प्रति, मतलब आपके जितने अकाउंट्स होंगे जितने भी बैंकों में कुल मिला के 5 लाख रुपए तक का आपका कवरेज होगा। पर मैं इसको सैद्धांतिक रूप से पहले भी मैं स्पष्ट किया है, मैं इसको पुनः बताना चाहूंगा कि आपके अगर बैंक में डिपॉजिट्स हैं तो हम ये सलाह देते हैं, क्योंकि लगभग सभी बैंक के इंटरेस्ट रेट्स आसपास ही होते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता अगर थोड़े समय में, तो लंबे समय में वो बराबर आ जाते हैं, तो इसलिए आप उसको फैला के रखें। मान लीजिए किसी के पास 20 लाख है तो मैं उसको सलाह देता हूं आप 3 या 4 बैंकों में इसको स्प्रेड करके रखें, एक ही बैंक में नहीं रखें। वो इसलिए नहीं कि आपकी कवरेज 5-5 लाख करके 4 बार हो जाएगी, इसलिए कि मान लीजिए किसी बैंक के साथ कभी कोई दिक्कत आती है, हालांकि मैंने ये भी बोला था थोड़ी देर पहले कि मेरी लिविंग मेमोरी में रिजर्व बैंक ने इतना मजबूत सिस्टम बनाया हुआ है कि प्राइवेट बैंक ले लें, सरकारी क्षेत्र के बैंक ले लें, सेमी पब्लिक सेक्टर बैंक ले लें, जो इंस्टीट्यूशन जिनको होल्ड करते हैं, कहीं भी ऐसा कोई बैंक फेल हो रही, यस बैंक का मुझे याद है आज से कुछ साल पहले उनको दिक्कत आई थी, तो तुरंत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने संज्ञान लेके स्टेट बैंक ने उसके शेयर खरीदे और अब यस बैंक बड़े दुरुस्त तरीके से चल रहा है।
तो ऐसा है नहीं अब, पर फिर भी हाँ सैद्धांतिक रूप से आप इसको फैला के रखें, पर 5 लाख रुपए कुल मिला के है जो आपका इंश्योरेंस का कवर होता है, अगर आप इसको जानकारी के लिए पूछना चाहते थे तो। जी आइए चलें गाजियाबाद। गाजियाबाद से हमारे साथ हैं विनोद गुप्ता। गुप्ता जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ सर कोहली साहब, मेरा सवाल ये है कि आजकल जो फिक्स डिपोजिट के रेट बढ़ गए हैं जी, और मेरी कुछ पुरानी एफडी है उनको मैं अगर तोड़वा के दोबारा बनवाता हूँ हाई इंटरेस्ट के लिए, तो मेरे को पेनल्टी लगेगी और ब्याज भी कम मिलेगा, तो इनकम टैक्स जबकि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट पे कट चुका है बैंक से, तो मैं कैसे उसको इनकम टैक्स में मतलब टेक केयर करूं? देखिए विनोद जी, आपके सवाल में दो बातें हैं, आप शायद पूरी बात पूछ नहीं पाए, पर मैं समझ गया हूं कि मसला क्या है। पहली बात तो अगर आपका ब्याज कट के मिला है तो कोई उसकी डिडक्शन नहीं मिलती आयकर में। बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमने एफडी तोड़वा के दूसरे में लगाई है तो जो हमारा लॉस हुआ, तो पहले तो मैं सलाह दूंगा जो लोग एफडी तोड़वा रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब आप एफडी से अगर अब आप हायर इंटरेस्ट रेट की एफडी में जा रहे हैं तो पहले तो ये देखिए कि जो आपको एफडी तोड़ने का नुकसान हुआ है और जो आपको नई एफडी में एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों को आप कंपेयर करें। हो सकता है कि आपको तोड़वाने का नुकसान ज्यादा हो रहा हो, नए एफडी पर उतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो एक ये एनालिसिस जरूर कर लें पहले। और इसका कहीं डिडक्शन नहीं मिलता, मान लीजिए लॉस हो रहा है तो इसका डिडक्शन कहीं नहीं मिलता है। दूसरा आपकी दूसरा पहलू आपके सवाल का था कि टीडीएस, तो टीडीएस तो जो कट गया विनोद जी, वो आपका जो 26AS है, जिसको मैंने उसको हल्के फुल्के अंदाज में 26 आमना सामना बोलता हूं, क्योंकि आपका अपने टीडीएस से आमना सामना हो जाता है, तो आपके 26AS में वो टीडीएस आपने पैन नंबर दिया होगा, अपने आप वो कुलेट होके आ जाएगा। तो उस टीडीएस को आपकी जो कुल आय होती है जब आप अपनी कॉम्पिटिशन बनाएंगे, तो जो टोटल आय होगी, टोटल इंटरेस्ट का आप सेक्शन 80TTA में जब आप क्लेम करेंगे तो उसमें 10,000 तक का इंटरेस्ट एग्जेंप्शन है, उससे ऊपर वो टैक्सेबल होता है, तो वो सेविंग्स अकाउंट के लिए होता है। पर आप एफडी की बात कर रहे हैं तो अपने आप ही वो सारी कॉम्पिटिशन बन के सामने आ जाएगी, तो जो टीडीएस है वो तो आपका फालतू होगा तो रिफंड हो जाएगा, कम है तो आपको जमा कराना पड़ेगा, और डिडक्शन इसकी कहीं नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपके प्रश्न के तीनों चारों पहलू कवर कर दिए होंगे। जी शंकर जॉइन्स अस फ्रॉम भोपाल, वार्म वेलकम शंकर, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू कोहली साहब को हैप्पी न्यू ईयर एंड आप पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सर, मेरा सवाल है इस स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप में अभी के सिनेरियो में व्हेन लॉट ऑफ एफआईआईज आर पुलिंग आउट मनी, किस कौन सा सेक्टर आपके हिसाब से बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा? और आईटी सेक्टर तो ऑफ कोर्स बहुत नीचे गया है, क्या उसमें अभी आगे आने में अच्छा लगेगा, आगे का समय अच्छा रहेगा? और दूसरा सवाल सर इसी के संदर्भ में है, वर्ल्ड रिसेशन हमारे लिए तो अच्छा होना चाहिए कि वी आर बूमिंग इनसाइड अवर इंडिया, हमें सिर्फ ऑयल और उसकी प्राइसेस अगर रिसेशन से, तो इजंट इंडिया अ ब्राइट स्पॉट और इजंट इंडिया द बेस्ट टाइम राइट नाउ टू इन्वेस्ट फॉर अ स्मॉल इन्वेस्टर लाइक अस, ये बता दीजिए। थैंक यू। चलिए शंकर, हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल, बहुत दिनों बाद आपसे आपकी आवाज सुनने को मिली। आपका पहला सवाल था स्मॉल कैप मिड कैप लार्ज कैप, देखिए उसमें करेक्शन आई है और कुछ एक सेक्टर्स वाकई अट्रैक्टिव हो गए हैं, क्योंकि जब कीमतें नीचे गई हैं, तो मैं आपको 2-3 सेक्टर्स का नाम ले लेता हूं। एफएमसीजी सेक्टर मुझे अट्रैक्टिव लगता है, यहां से मुझे डिफेंस सेक्टर अट्रैक्टिव लगता है, मुझे एनर्जी सेक्टर अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, मुझे टेलीकॉम सेक्टर अट्रैक्टिव लगता है, ये कुछ सेक्टर्स ऐसे। पर इसमें कंपनियों का चुनाव जो है वो आप बहुत अच्छे से करें, कंपनियों का सिलेक्शन बहुत बहुत मेथड से होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करके होना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था कि वर्ल्ड में रिसेशन आएगा, भारत एक ब्राइट स्पॉट है, ये बात सच है, भारत वाकई एक ब्राइट स्पॉट है, भारत वाकई एक चमकता सितारा है, जहां दुनिया भर रिसेशन से जूझ रही है, भारत का साइज देखते हुए, पॉपुलेशन का साइज देखते हुए, भारत आज भी 6-7% के बीच में ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि बहुत हेल्दी है। पर ऐसे में शंकर देखने वाली बात है कि अगर दुनिया भर रिसेशन में सफर करती है तो ये भी तो सच है कि भारत भी तो उसी भूगोल का, उसी दुनिया का हिस्सा है, तो एक ग्लोबल विलेज है, तो अगर दुनिया भर में रिसेशन आता है तो कुछ ना कुछ असर तो उसका यहां पर पड़ेगा ही, उसको हम अंग्रेजी में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, कैस्केडिंग एंड वी कॉल इट एज रिपलिंग इफेक्ट, कि यहां पर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएंगे, हमारा जो एफडीआई आता है वो कम हो जाएगा, हो सकता है हमारे एफआईआईज और एफपीआईज भी थोड़ा सा पैसा डालने में कंजूसी करें। अब निवेश के लिए अच्छा है, पर निवेश के लिए सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं शंकर, वो आपको सिलेक्टिवली देखनी पड़ेगी। फिलहाल जो समय आ रहा है, मैं अगले 15 दिन की अगर बात करूं, क्योंकि निवेश के मौके अगर आप ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है जो कंपनियों के तीसरी तिमाही के नतीजे आने शुरू होंगे, जिसको थर्ड क्वार्टर रिजल्ट हम बोलते हैं,
उसके आधार पर मार्केट अपने फंडामेंटल्स को एडजस्ट करेगा। मतलब जिन कंपनियों के रिजल्ट अब उस कंपनियों ने बहुत अच्छा और बड़े अच्छी उम्मीद रखी जा रही है इस तीसरे क्वार्टर की, क्योंकि फेस्टिव सीजन अभी गया है और बड़े अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है वो कंपनीज अपने रिजल्ट के हिसाब से सेटल डाउन करेंगी। पर थोड़ा सा आने वाला साल वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इट कैन बी चैलेंजिंग, एंड इफ द वर्ल्ड फेसेस अ रिसेशन इंडिया विल रिमेन आई वुड से पार्टली इम्यून, नॉट एंटायरली इम्यून टू आंसर योर क्वेश्चन इन टू वर्ड्स। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगेश। योगेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। सर मेरा सवाल ये है कि एक आम निवेशक के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो डेट हमारा जो एलोकेशन होता है या जो फिक्स इनकम एलोकेशन है, उसके लिए क्या हमें पीपीएफ को और जो बाकी एफडी और जो ट्रेडिशनल स्मॉल सेविंग स्कीम है उनको भी कंसीडर करना चाहिए? और जो डेट में सर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो एक अच्छी कैटेगरी मानी जाएगी शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन सब में? योगेश जी पहले तो आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, और राजेश और मनोज मैं आपका हम तो कहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय और मुनाफामय हो। जी जी ये जो है बिल्कुल योगेश, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा ये मानना है कि एक अंग्रेजी में कहावत होती है जो हम इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। आपको सारा निवेश एक ही जगह तो वैसे ही नहीं करना चाहिए। अब सवाल आता है कि आप फिक्स्ड इनकम या सेफ्टी एस्पेक्ट अगर ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल उसमें पीपीएफ, स्मॉल सेविंग्स में कुछ हिस्सा आप रख सकते हैं। जहां तक बात की है तो डेट फंड में अगर आप कर रहे हैं, तो डेट फंड में तो आपको योगेश देखना है कि जो आप इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी रेटिंग क्या है, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट में हमेशा रेटिंग होती है। उदाहरण के तौर पर ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, इस टाइप की आपने रेटिंग देखी होंगी, तो आपको रेटिंग देखना चाहिए कि वो कहां वो पैसा आपसे लिया हुआ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर खतरा वहीं पर होता है जहां अगर रेटिंग कम है और इंटरेस्ट रेट कई दफे बहुत अट्रैक्टिव दिखाई देता है, कोई 11-12% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो वहां पर थोड़ी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दे रहा है। तो एक और सिद्धांत होता है इन्वेस्टमेंट में, हायर द रिटर्न हायर द रिस्क, लोअर द रिटर्न लोअर। तो ये हो सकता है कि जो बहुत अच्छी रेटेड सिक्योरिटीज होती हैं उनका थोड़ा सा रिटर्न कम होता है, तो इसलिए वो निवेशक कई दफे वहां से मुंह मोड़ लेते हैं, भाई ये तो कुछ नहीं है, तो 6-7% ही दे रहे हैं, इसमें कोई जान नहीं है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ता है, आपको रिस्क की एपेटाइट आपकी कितनी है ये देखना पड़ता है। कुल मिला के मैं बताऊं, पीपीएफ एक अच्छा ऑल्टरनेट है, स्मॉल सेविंग स्कीम अच्छा ऑल्टरनेट है। अगर आप वाकई फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की तरफ रुझान आपका है, तो बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको पीपीएफ और स्मॉल सेविंग स्कीम्स या एमआईपी स्कीम्स इनमें जरूर करना चाहिए। और हाल में तो आपने देखा होगा पीछे सरकार ने इस पे जो आने वाला इंटरेस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी करी है, ऐसी उम्मीद की जा रही है शायद अप्रैल में पीपीएफ में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, इसमें 20 बेसिस पॉइंट, 30 बेसिस पॉइंट। स्मॉल सेविंग स्कीम्स में हाल में अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें बढ़ोतरी की गई है 1 जनवरी से। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूं, एंडोर्स करता हूं, आप करिए निवेश करिए, डेट इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग देख के आप इसमें निवेश करिए। हमारे साथ गुरुग्राम और पालघर दो स्थानों से श्रोता हैं, हम आमंत्रित करना चाहेंगे पहले गुरुग्राम से प्रेमचंद जी को। प्रेमचंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। धन्यवाद सर, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछें। हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं ये दो सवाल है मेरे, पहला सवाल तो मेरे बेटे का है, वो भी ये पूछना चाहता है सर, ये बैंक वाले एफडी जो जमा कराते हैं, हम लोग जमा करते हैं उन पैसों का ये बैंक क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है एफडी का? दूसरा सवाल है जो आप मार्केट मंत्रा में हमें गोल्ड के रेट बताते हैं, हम मार्केट से खरीदने जाएं तो हम मार्केट का जो रेट है आज की डेट का मान लीजिए 55,000 है, तो हमें 55,000 ही मिलेगा। सुनने में आया है कि उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है, तो फिर वो ज्यादा हो जाता है क्या? वो सेम रेट जो मार्केट मंत्रा का रेट है वही मिल पाता है क्या? चलिए प्रेम जी, हम आपको प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं। पहली बात तो जो आप पैसा बैंक में जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट्स का, वो पैसा बैंक के लिए एक लायबिलिटी होता है, आपकी डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटी, और उसका उपयोग बैंक आगे जो बैंक का बिजनेस है आपसे डिपॉजिट लेके और आगे लोन देना, लोगों को उधार देना, उस पर ब्याज कमाना, बैंक का मूल बिजनेस यही होता है। तो आपके डिपॉजिट्स का बैंक जो है वो आगे उसको ब्याज पर देके बड़े तरीके के लोन दिए जाते हैं, टर्म लोन्स होते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन्स होते हैं, कैश क्रेडिट लोन्स होते हैं, कंज्यूमर लोन्स होते हैं, हाउसिंग लोन्स होते हैं, बहुत तरीके के लोन्स बैंक अलग अलग ब्याज दरों पर आपके डिपॉजिट के ऊपर आगे लोगों को बांटता है। और दूसरा इनका मनोज, दूसरा सवाल एक और था इनका। हमारे पास समय कम है तो दूसरे सवाल को हम स्किप कर लेते हैं। अगले श्रोता हमारे भीम सिंह जी हैं पालघर से, आप रुके रहें लाइन पर, पहले कुछ खबरें उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। भीम जी लाइन पर बने रहिएगा।
All major indices in the U.S. gained more than 2% yesterday after December payrolls expanded more than expected, easing worries about the Federal Reserve's interest rate hiking path. The Dow Jones Industrial Average rose 701 points or 2.1% to 33,630. The S&P 500 gained 87 points or 2.3% to 3,895. And the Nasdaq Composite added 264 points or 2.6% to 10,569. And the global crude oil prices registered their biggest weekly dives to start the year since 2016 on global recession concerns. Brent crude oil prices fell 8% during the week to settle at $78.57 a barrel. The U.S. also lost 8% to settle at $73.77 per barrel. Both the benchmarks had gained about 17% during the prior 3 weeks. हमारे साथ काफी देर से फोन लाइन पर बने हुए हैं पालघर से भीम सिंह जी. भीम सिंह जी, बहुत बहुत आपका स्वागत. सवाल पूछें. नमस्कार जी, कैन यू लिसन मी? यस प्लीज. टीम को गुड इवनिंग जी. आई हैड बीन वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स, रादर 5 ईयर्स. नाउ आई हैव सीन अ रिपोर्ट इन द प्रेस दैट ग्रीन हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो ए मिशन. आई होप my optimistic being optimistic is right on the right path. Can you help me a little bit on this? Yes, Bhim Singh ji, you are on the right path. Government has recently announced as part of its several initiatives the hydrogen, green hydrogen mission. And I think this is going to go a long way because our energy needs, as you know, 86% of our needs are being met by imports, the crude oil. Well, if hydrogen becomes an alternate fuel or a fuel which is environment friendly, I'm sure it is going to help. Yes, your thinking is right. So any company which is connected with hydrogen energy or green hydrogen projects or is into processing, manufacturing, extracting, whatever way any company is connected, yes, you can very well. Or Manoj, mujhe pichle shrota ka sawal bhi yaad aa gaya. Wo market mantra mein gold ki prices ka pooch rahe the. Main jaldi se unka bhi jawab de deta hu. Ji ji. मार्केट मंत्रा की कोई प्राइस नहीं होती. मार्केट मंत्रा भी वही प्राइसेस बोलता है जो कि कमोडिटी. जी जी जी, बिल्कुल सही. मुंबई से हमारे साथ इस बीच लाइन पर जुड़ गए हैं आरके सूरी. सूरी साहब, जल्दी से सवाल पूछ लें. इंडिया रशिया से किस रेट से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है? इंडिया रशिया से $65 के आसपास जो है वो इम्पोर्ट कर रहा है और $60-65 के बीच में है. थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है जो कि बाजार के भाव से बहुत कम है. बाजार का भाव आपको पता ही है कि करीब इस समय 80 के आसपास है. बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है पर भारत को वो $60-65 के बीच में रशिया से इस समय और काफी भारी मात्रा में इसमें 1.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इम्पोर्ट किया जा रहा है. शरद, व्हाट्स योर आउटलुक फॉर द कमिंग वीक? I think because the result season in India is starting, Rajesh, so I'm expecting, the company-specific movement here as the thing. But then, the R word, the word recession is counting on the minds of the market, which is why you see this going up and down, and which is why market has been under pressure in the recent past. But I think the results going forward from here in the next couple of weeks will be driving the market, Rajesh. हम यहां पर अपने श्रोता कुछ अभी और लाइन पर हैं. हम आप सबों को धन्यवाद देना चाहेंगे. आज अब समय के अभाव में हम आपका सवाल अपने कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर सकते. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आप श्रोताओं की ओर से हम अपने विशेषज्ञ शरद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे. शरद जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. धन्यवाद सो मच. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस शरद. एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. At the stock markets, domestic benchmark indices declined in the first week of 2023. Both Sensex and Nifty fall over 1%. But US markets rallies more than 2% on encouraging economic data. And global crude oil prices register biggest weekly dip at the start of the year since 2016 on recession fears. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow. Goodbye. Market Mantra.